रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेंगे। बड़ी अपडेट यह है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और इसका वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई बड़े हमले करते दिखाई दिए गए। बताया ये गया है कि ताबड़तोड़ हमले में कई लोग घायल हुए हैं, यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान हुआ है। रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ अटैक की जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से बहुत ही अग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से रूस की सेनाएं यूक्रेन पर हमला कर रही हैं और इस जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से यूक्रेन की सेना को इस अटैक में भारी नुकसान हुआ है। और इस तरह के वीडियो के जरिए बताने की कोशिश है कि रूस लगातार फ्रंट फुट पर है और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले एक साल में यूक्रेन और नेटो दावा कर रहे हैं कि रूस जंग हार रहा है, लेकिन जमीन पर रूस एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों को पर कब्जा करता चला जा रहा है। लेकिन अब खबर यह मिली है कि रूस के 42 शहरों से खूंखार लड़ाके यूक्रेन को तीसरी बार हराने जा रहे हैं और इस बार तो पुतिन का मिशन यूक्रेन का दक्षिणी इलाका है। रूस मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके को जीतने जा रहा है। क्या रूस अब यूक्रेन में तीसरी जीत की तरफ बढ़ रहा है? क्या सोलेदार के बाद बखमूत और अब बखमूत के बाद वहलदार शहर में भी यूक्रेन की हार होने जा रही है? 380 दिन बाद अब पश्चिमी देशों के खुफिया एजेंसियां ये दावा कैसे कर रही हैं कि ईरान ने गुप्त तरीके से रूस को 3,00,000 बम और 10 करोड़ गोलियां भेज दी। आखिर इस दावे में कितना दम है कि रूस के 42 शहरों से हजारों लड़ाके जंग करने के लिए यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में पहुंच चुके हैं? क्या वाकई में यूक्रेन 30 दिन में पूरी तरह से जंग हार जाएगा? ₹100% यूक्रेन की तीसरी हार, 1 साल की भीषण जंग के बाद रूस के हौसले बेहद प्रचंड हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन और नेटो को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। जंग के 380 दिन के अंदर रूस ने अब तक पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार और बखमूत में यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दिए हैं, लेकिन अब पुतिन का रूस यूक्रेन के दक्षिण इलाके में जमीन और आसमान से आग बरसा रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। जिसकी वजह से बखमूत में यूक्रेन लगभग हार चुका है। वहीं यूक्रेन और 30 देशों से बना नेटो इस बात से हैरान है कि आखिर रूस का गोला बारूद खत्म क्यों नहीं हो रहा है। एक साल बाद भी रूस यूक्रेन की तुलना में लगभग 2 गुने बम, गोलियां और मिसाइल से हमले कैसे कर रहा है? इस सवाल का जवाब अब एक ऐसी खुफिया तस्वीर से मिला है जिसने यूक्रेन और नेटो के होश उड़ा दिए। ईरान ने रूस के लिए ऐसा काम कर दिया है जिससे रूस ने जंग में बाजी पलटनी शुरू कर दी है। ईरान ने समंदर के रास्ते बेहद गुप्त तरीके से करोड़ों गोलियां और लाखों बमों को समुद्री जहाज से रूस पहुंचा दिया है। ये
पश्चिमी देशों की टॉप खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है ईरान रूस को बहुत भारी संख्या में गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। जासूसी सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि ईरान के दो जहाजों से लाखों बम और गोलियां रूस भेजी जा चुकी हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अपने बंकरों में छिपी हजारों मिसाइल और बम रूस पहुंचा दिए हैं। खुफिया एजेंट ने अपने टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने 2 फरवरी 2023 तक रूस को गोला बारूद पहुंचा दिया है। एजेंसियां ये भी दावा कर रही हैं कि ईरान के समुद्री जहाज मूसा जलील से 3 लाख बम रूस भेजे गए हैं, जबकि ईरान के दूसरे समुद्री जहाज बेगी से 10 करोड़ गोलियां रूस पहुंचाई जा चुकी हैं। जानकारों का साफ कहना है कि ईरान किसी भी कीमत पर रूस को जंग में हारने नहीं देगा, इसीलिए ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन मिसाइलें बम और गोलियां अंधाधुंध तरीके से रूस को दे रहा है। तो देखिए युद्ध की शुरुआत से ही ईरान लगातार रशिया के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान ने रूस तक 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम समुद्री जहाजों से आके पहुंचाए कैसे? इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले जरा पुतिन के नए और बेहद घातक हमलों के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 100% यूक्रेन की तीसरी हार। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत पर जीत और कब्जे का दावा करने के बाद अब पुतिन के रूस की सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार शहर पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक सोलेदार बखमूत पर जीत का दावा करने के बाद अब वहलदार पर पुतिन तीसरी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। खुद ज़ेलेंस्की तक दक्षिणी इलाके के शहर वहलदार को लेकर घबराए हुए हैं, क्योंकि पुतिन ने पूर्व से दक्षिण तक पिछले 36 घंटे में 500 से ज्यादा मिसाइल और हवाई हमले किए हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर बखमूत के बाद रूस का टारगेट वहलदार क्यों है और रूस यहां के लिए क्या तैयारी कर रहा है। 100% यूक्रेन की तीसरी हार। रूस यूक्रेन को तीसरी हार वहलदार में देना चाहता है। रूस बखमूत के बाद वहलदार को टारगेट बना चुका है। दक्षिणी यूक्रेन का वहलदार शहर बखमूत से 120 किलोमीटर दूर है। पुतिन का साफ आदेश है कि दक्षिण पश्चिम में कोयला खनन वाले शहर वहलदार पर जल्द से जल्द कब्जा करो। रूस के रक्षा मंत्री पिछले हफ्ते वहलदार के बाहरी इलाके में रूस के कमांडरों के साथ जंग जीतने की प्लानिंग बना चुके हैं। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में 500 के करीब हवाई हमले किए हैं। यहां तक कि रूस ने 95 मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किया, जिसमें 6 केंचल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी, जिसका जवाब ना तो यूक्रेन के पास है और ना ही नेटो के पास। अगर रूस वहलदार पर कब्जा कर लेता है तो ये रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर उसकी तीसरी जीत होगी। 42 शहरों के लड़ाके 10 करोड़ गोली। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो में शामिल सभी 30 देश रूस को एक साल बाद भी हरा नहीं पाए हैं। रूस जंग में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। ताजे दावों के मुताबिक रूस जंग में $9 ट्रिलियन यानी 800 खरब रुपए झोंक चुका है। यहां तक कि जंग में रूस के 1,50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हारने की बजाय जीतता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस बखमूत में 30,000 सैनिकों के मरने के बावजूद कैसे जीत रहा है और रूस को जंग में इतने ज्यादा सैनिक और लड़ाके कहां से मिल रहे हैं कि वो अब यूक्रेन के वहलदार पर तूफानी हमले कर रहे हैं। इसलिए आर्टिलरी नंबर 1 से तो जो नाम потрібно як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію, не стріляти по території Росії. 42 шахов के लड़ाके 10 करोड़ गोली। रूस के दावों के मुताबिक रूस के 42 शहरों से हजारों की तादाद में लड़ाके यूक्रेन में युद्ध कर रहे हैं। वैगनर ग्रुप के चीफ ने बखमूत में खड़े होकर दावा किया है कि रूस के पास लड़ाकों की कमी नहीं है, यानी ईरान से मिली 10 करोड़ गोलियां 3 लाख बमों का इस्तेमाल इसी तरह के लड़ाके युद्ध में कर रहे हैं जिसने यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है।
100% यूक्रेन की तीसरी हार। जिस रूस ने यूक्रेन पर 5000 मिसाइलें दागी हों, उसका जवाब नेटो के पास नहीं है। जो रूस हर दिन 200 टैंक और रॉकेट अटैक कर रहा हो, उसके तोड़ यूक्रेन और नेटो के पास नहीं है। यूक्रेन जंग में बुरी तरह से हार रहा है और आने वाले दिनों में पुतिन और भी खौफनाक हमले करने जा रहे हैं, जिसमें ईरान जमकर रूस की मदद कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि ईरान ने रूस की 10 करोड़ गोलियां और 300,000 बम नाटो और अमेरिका को चकमा देकर कैसे रूस पहुंचा है। रूस पहुंचे ईरान के गुप्त हथियार। पश्चिमी देशों के खुफिया दामों के मुताबिक 12 जनवरी 2023 को ईरान के अमीराबाद बंदरगाह से 2 जहाज रूस की तरफ चले हैं। गोला बारूद से भरे इन ईरानी जहाजों का नाम मूसा जलील और बेगी बताया जा रहा है। ईरान के अमीनाबाद बंदरगाह से रूस के अस्त्रखान बंदरगाह तक जहाजों ने सफर किया। जानकारी के मुताबिक ईरान के समुद्री जहाजों मूसा जलील और बेगी में 10 करोड़ गोलियां और 300,000 बम भरे हुए थे। 21 दिन के गुप्त समुद्री सफर के बाद ईरान के जहाज रूस के अस्त्रखान बंदरगाह पर पहुंच गए। लगभग 424 नॉटिकल माइल यानी 785 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 2 फरवरी 2023 को ईरान का गोला बारूद रूस पहुंच गया। 100% यूक्रेन की तीसरी हार। इधर नेटो और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां माथा पीट रही हैं और उधर रूस ने यूक्रेन के बखमूत पर कब्जे का दावा करने के बाद अब यूक्रेन के दक्षिणी शहर पोहलदार पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन को अगर नेटो ने घातक मिसाइलें, टैंक और तोप अभी भी नहीं दिए तो फिर अगले 30 दिन में रूस यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर कब्जा कर सकता है। हमले तेज हैं, लेकिन यूक्रेन भी नेटो और पश्चिमी देशों की मदद से रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर रूसी सैन्य वाहन को तबाह कर दिया है और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक टैंक पर ग्रेनेड गिरते दिखाई दिया है, जिसके बाद टैंक में धमाका होता है और आग लग जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से रिटेलिएशन जारी है यूक्रेन की ओर से, और ऐसे में रिटेलिएट करते हुए, पलटवार करते हुए किस तरीके से यूक्रेनी सेना ने इस टैंक पर गोले बरसाए और धू धू करके इस ये टैंक जो है वो जल उठा।